हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं वेयर करके बताने वाली हूँ ये फ्लोरल साड़ी को जो मैंने अमेजोन से लिया है। मैंने ये ब्लाउज भी फ्लोरल रखा है, बहुत ही यूनिक मिक्स एंड मैच किया है। साथ में वेयर किया है ये मेटल बैंगल्स, पिंक झुमकी, ये लाइक्रा शेप वेयर एंड मैचिंग सैंडल। तो चलिए ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लाउज पीस नहीं निकाला है बिकॉज मुझे साड़ी लंबी चाहिए थी। तो एज यूजुअल हम राइट साइड से टक करते हुए एक राउंड लेंगे। और पल्लू बनाना स्टार्ट करेंगे। पल्लू के प्लीट्स बनाएं और अपने राइट शोल्डर पे रख लेंगे। आगे की साइड से लेके जिस तरीके से आप सीधे पल्ले में लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पल्लू रखना है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है जो मैं बाद में बताऊंगी। और अब वेस्ट के प्लीट्स बना रही हूं मैं। आपको भी ऐसे ही पहले साइड लेके साइड से ले और एक पिन यहां से लगा ले। देन हम राइट साइड से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इक्वल लेते हुए हम एक एक प्लीट्स बनाएंगे। मैंने 7 to 9 प्लीट्स बनाया है क्योंकि साड़ी लंबी कर ली थी मैंने। और अब सबको अच्छे से सेट करके थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। देन यहाँ एक पिन लगा लेंगे। पिन से बिल्कुल ये सिक्योर हो जाएगा। पिन लग जाए तो आप ऐसे बिल्कुल मिड में टक कर लें। जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसे बैक साइड पे थोड़ा सा टक कर लें जिससे नीट लुक आए। अब मैं पल्लू के प्लीट्स अच्छे से सेट करूंगी। जब सेट हो जाए तो आप यहाँ भी एक पिन लगा ले। बस ड्रेपिंग कंप्लीट हो गई। अब मैचिंग क्लच के साथ आपका लुक भी कंप्लीट हो जाएगा। सीधे पल्ले में इतना स्टाइलिश लुक भी आ सकता है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, बट मुझे लगता है कि हर ड्रेप यूनिक है और हर ड्रेप में आप बहुत स्टाइलिश लग सकते हो। आप ये ड्रेप पार्टीज में वेयर करें। ध्यान रखें मैचिंग कैसा है, साड़ी ब्लाउज मैच अच्छे से करें, मेकअप अच्छे से करें, हेयर का ध्यान रखें। आप जितना अच्छा कॉम्बिनेशन रखोगे ना, आप उतने ही यूनिक एंड स्टाइलिश दिखोगे। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ फॉलो मी ऑन FB, इंस्टा एंड यूट्यूब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, सी यू सून।